नमस्ते दोस्तों, आज से हम अपलोड कर रहे हैं राग यमन के दो स्वर, तीन स्वर, चार स्वर के अलंकार। यहाँ पर ये बात बताना उचित होगा कि इस राग के आरोह अवरोह लेने के दो तरीके प्रचलित है। भारतीय संगीत माला इस किताब में साफ साफ ये दोनों आरोह के प्रकार बताए गए हैं। पहले प्रकार में यमन के आरोह कुछ इस तरह हैं। नी सा और अवरोह सा नी ध और किताब में जैसे लिखा है, आरोह के इस दूसरे प्रकार में प वर्जित होता है और आरोह कुछ इस तरह होता है। नी रे ग म ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। इन दोनों आरोह पद्धति में शुरुआत हो रही है मंद्र के नी से। अब ये जो हम अलंकार गाने की प्रैक्टिस करते हैं और हमारी ये हमेशा की एक प्रैक्टिस रही है कि हम तार सप्तक के रे और ग तक अलंकारों की रियाज करते हैं ताकि हमारे हायर नोट्स स्ट्रांग रहें। अब राग यमन में हम जब तार सप्तक के रे और ग को जाते हैं तो यहाँ पे भी हम सा को टालेंगे और नीरे ग ऐसे जाएंगे। इस धरती पर, इस बेसिस पर ये अलंकार बनाए गए हैं। लग जाइए राग यमन के अलंकारों की रियाज करने और आनंद पाइए। ये है राग यमन के आरोह अवरोह। इसमें म तीव्र है, बाकी सारे स्वर शुद्ध है। आज रियाज करते हैं तीन स्वर अलंकार नंबर 6 की। इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। इसे मैं पहले गाऊंगा और बजाऊंगा, बाद के बचते राउंड्स पे आपने गाने की कोशिश करनी है। आप गाइए। आप गाइए।
आप गाइए। आप गाइए। आप गाइए। रफ्तार बढ़ेगी। आप गाइए। आप गाइए। आप गाइए। आप गाइए। आप गाइए। रफ्तार बढ़ेगी। Da re ma re ga pa ga ma da ma pa ni pa.
रे ग सा रे रे नी ग सा नी रे नी ग सा ग पा नी पा मा ग मा ग बम र रे मा रे ग। आप गाइए गाइए। आप गाइए। आप गाइए। आप गाइए। रफ्तार और बढ़ेगी। रे नी ग सा नी रे नी ग सा ध पा नी पा मा ध मा ग पा ग रे मा रे। आप गाइए। 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 अब इस अलंकार के हर ग्रुप को हम चार बार गाएंगे। आप गाइए। गाइए।
आप गाइए। 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 Ma 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 ma
आप गाइए इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो
तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 8879183901 पर फ़ोन कर सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।